हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करते हैं पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इंजन के वाल्व को खोलने या बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य कैमशाफ्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच के खाली स्थान को कहते हैं पिस्टन क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन है, संपीड़न छल्ले लगे होते हैं पिस्टन पर। अगला क्वेश्चन है, चार स्ट्रोक चक्र इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर पूरा कर होने पर। अगला है, इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है? तो इंजन का सिलेंडर ब्लॉक ढलवा लोहे का बना होता है। अगला है, पिस्टन जुड़ा होता है संयोजी छड़ से। अगला है, दो चक्र इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है? इसमें ऑप्शन डी सही है, क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा होने पर। और अगला है, कैम शाफ्ट के एक चक्कर पूरा घूमने पर इनटेक वाल्व तथा एग्जास्ट वाल्व कितने बार खुलते हैं? तो एक बार खुलते हैं। अगला है, एक बार इनटेक वाल्व या एग्जास्ट वाल्व खुलने पर क्रैंक शाफ्ट को कितना अंश घूमना पड़ता है? तो 720 डिग्री। पिस्टन का विस्थापन निकालने का सूत्र है? तो पाई बटे 4 गुणे डी स्क्वायर गुणे एल। अगला है, इंजन का आकार होता है? तो डी गुणे एल सेंटीमीटर। अगला है, डीजल इंजन में संपीड़न दबाव होता है? तो इसमें 30 से 40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला है, डीजल इंजन में संपीड़न तापक्रम होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 850 से 1000 फारेनहाइट। अगला है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है? तो 14:1 से 21:1 तक होता है। अगला है, डीजल इंजन की फ्यूल आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो फ्यूल इंजेक्शन द्वारा होती है। अगला है, पेट्रोल इंजन के संपीड़न दबाव होता है? तो पेट्रोल इंजन में 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर संपीड़न दबाव होता है। अगला है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न तापक्रम होता है? तो 400 से 500 फारेनहाइट होता है। अगला है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात होता है? तो 5:1 से 8:1 होता है। अगला है, डीजल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डीजल इंजन संपीड़न तापक्रम 400 से 500 फारेनहाइट होता है। अगला है, ट्रैक्टर के गियर्स बॉक्स में कौन सा आयल प्रयोग होता है? तो SAE90 टाइप का आयल प्रयोग होता है। अगला है, इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। और अगला है, कृषि यंत्र को ऊपर उठाने व नीचे गिराने या किसी भी ऊंचाई पर रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कृषि यंत्रों को ट्रैक्टर के किस भाग से जोड़ा जाता है? तो ड्राबार से जोड़ा जाता है। अगला है, ड्राई सिलेंडर इंजन को ठंडा किया जाता है? तो फिंस लगाकर हवा द्वारा। अगला है, इंजन का स्थिर भाग है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्रैंक केस। अगला है, पिस्टन क्लियरेंस है? तो पिस्टन क्लियरेंस पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच खाली स्थान होता है। अगला है, एक सिलेंडर इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है? तो क्रैंक शाफ्ट और को 720 डिग्री घूमने पर उत्पन्न होती है। अगला है, क्रैंक शाफ्ट के गियर का आकार होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्रैंक शाफ्ट के गियर से दुगुना। अगला है, इंजन के वाल्व किस धातु के बने होते हैं? तो सिलोक्रोम एलाय से बने होते हैं। अगला है, एक स्ट्रोक का तात्पर्य होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पिस्टन द्वारा सिलेंडर में नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आने तक में तय की गई दूरी। अगला है, वाल्व सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इसमें के हेड टाइप प्रकार नहीं है। और अगला है, पिस्टन की गति ज्ञात करने का सूत्र है? तो पिस्टन की गति ज्ञात करने का सूत्र 2 × L × N/100 होता है।